हेलो गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू स्टडी क्लास UKG इंग्लिश यूज ऑफ ए एंड एन। स्टूडेंट आज हम ए और एन का यूज कहाँ होता है ये पढ़ेंगे, कैसे होता है। ए इज यूज्ड बिफोर द सिंगुलर वर्ड्स दैट बींग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड एंड इज यूज्ड बिफोर द सिंगुलर वर्ड्स दैट बींग विथ वोवेल साउंड। लुक रीड एंड अंडरस्टैंड, देखो पढ़ो और समझो। ए का यूज देखिए, ए इज यूज्ड बिफोर द सिंगुलर वर्ड्स दैट बिगिन विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। यहाँ पर कह रहा है कि जो कॉन्सोनेंट साउंड से वर्ड्स स्टार्ट होता है उसके पहले हम ए का यूज करते हैं। ए का यूज सिंगुलर के लिए होता है, सिंगुलर वर्ड्स के लिए। एंड इज यूज्ड बिफोर द सिंगुलर वर्ड्स दैट बिगिन विथ वोवेल साउंड। और एन का यूज जैसे जो वोवेल साउंड से स्टार्ट होता है उसके पहले हम एन का यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हो ये रबर है, रबर तो ये आर से स्टार्ट है, यानी कि आर जो है आपका वो कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट से अगर जो भी वर्ड्स स्टार्ट होता है उसके पहले हम ए का यूज करते हैं, और जो वर्ड्स वोवेल से स्टार्ट होता है उसके पहले हम एन का यूज करते हैं। तो पहले आपको यहाँ ए का यूज दिखाया है, ए का यूज है करना है। तो ये सब सारे जितने वर्ड्स हैं ये सब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है। तो यहाँ पर जैसे रबर है तो आपका ये कॉन्सोनेंट फर्स्ट लेटर आर है, तो ये आर कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ हम ए का यूज किए हैं, ए का यूज है। ए बल्ब है, यहाँ पर बी ही कॉन्सोनेंट वर्ड है, इसलिए यहाँ भी ए का यूज करेंगे। पोटैटो है, तो पोटैटो पी जो है लेटर वो भी कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर ए का यूज किया गया है। ये फिंगर है, फिंगर एफ आई एन जी आर फिंगर, यानी कि एफ से स्टार्ट है, एफ लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ भी ए का यूज है। यानी कि जो भी वर्ड्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है उसके पहले हम ए का यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे ये सैंडविच है, ये भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, इसके पहले भी हम ए का यूज करेंगे। ये फिश है, फिश की स्पेलिंग है, एफ फर्स्ट लेटर है, एफ जो है वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ भी ए का यूज। कार है, ये भी सी जो है वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ भी ए का यूज। तो अब हम एन का यूज पढ़ेंगे। हमने आपको बताया कि जिन जिन सब वर्ड्स का स्पेलिंग फर्स्ट लेटर वोवेल्स होगा, फर्स्ट लेटर वोवेल्स होगा वहाँ एन का यूज होता है। तो यहाँ पर एंड लिखा है, एंड यानी ए से यूज, ए से स्टार्ट है स्पेलिंग, ए ई आई ओ यू, ये पांच वोवेल्स होते हैं, तो ए ई आई ओ यू से अगर आपका स्टार्ट होता है तो वहाँ पर एन का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पर हम एन का यूज करेंगे। एन तो ए एन एन का यूज है। ए ई डबल जी ए ई फर्स्ट लेटर वोवेल्स है, इसलिए यहाँ भी एन का यूज। ऑक्टोपस, यहाँ भी एन का यूज। एन आइसक्रीम, आइसक्रीम है वो भी आपका वोवेल से स्टार्ट है, इसलिए एन का यूज।
अम्ब्रेला है वो भी आपका वॉवेल है इसलिए एन का यूज। एप्पल है, एप्पल का फर्स्ट लेटर ए है, ए ई आई ओ यू ए, पांच आपके वॉवेल्स होते हैं तो ए भी वॉवेल से स्टार्ट है इसलिए एन का यूज। ईगल है, एन का यूज। और इंक पार्ट यहाँ पर आई है फर्स्ट लेटर, ये भी वॉवेल्स है इसलिए एन का यूज। यानी समझ लीजिए कि अगर वॉवेल से स्टार्ट होता है तो एन का यूज करते हैं, अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है फर्स्ट लेटर आपका कॉन्सोनेंट है तो ए का यूज करेंगे। ए यूज आपका सिंगुलर नंबर के लिए होता है, ए का भी और एन का भी। तो स्टूडेंट डू यू अंडरस्टैंड नाउ लेट्स रिवीजन। यहाँ पर है यूज ए आर एन बिफोर फॉलोइंग वर्ड्स, वही चीज आपका फिर यहाँ पर भी है। जैसे ये बस है, कौन सा ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है कि वावेल से, आप इसको देखेंगे बी है, बी तो क्या है कॉन्सोनेंट है तो इसलिए हम यहाँ पर ए का यूज करेंगे। यहाँ पर एलिफेंट है तो ये आपका किस वावेल से स्टार्ट है कि कॉन्सोनेंट से, तो ये कॉन्सोनेंट से नहीं वावेल से स्टार्ट है इसलिए यहाँ पर हम एन का यूज करेंगे। ऑरेंज है, ऑरेंज आपका वावेल्स फर्स्ट लेटर वावेल्स है इसलिए यहाँ पर हम एन का यूज करेंगे। बेल है, फर्स्ट लेटर आपका कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ पर हम एन का ए का यूज करेंगे। मैन है आदमी, तो एम फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट इसलिए हम ए का यूज करेंगे। यहाँ पर अम्ब्रेला फर्स्ट लेटर वॉवेल्स है इसलिए यहाँ पर एन का यूज करेंगे। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया ना किस तरह से यूज करना है ए और एन का। यहाँ पर देखिए लिखा है कनेक्ट द पिक्चर विथ ए आर एन, ये आपके फिगर बने हुए हैं उसका नेम्स भी लिखा हुआ है तो आपको कनेक्ट करना है कौन सा फिगर ए से कनेक्ट होगा, कौन सा फिगर एन से कनेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स आपको हमने बताया कि अगर जो भी वर्ड्स जिसका भी मीनिंग कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा उसको हम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है उसके पहले ए का यूज करते हैं तो इसका मतलब हम उसको ए से कनेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ है एम ए एस के मास्क, क्या है मास्क है तो मास्क यानी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है इसलिए ए से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर है सी ए के ई के, ये भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है ए से कनेक्ट करेंगे। फीस है एफ आई एस एच फीस, ए भी कॉन्सोनेंट है फर्स्ट लेटर इसलिए ए से कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर इग्लू है, इग्लू है फर्स्ट लेटर वॉवेल्स, क्या है फर्स्ट लेटर वॉवेल्स, वॉवेल्स बिफोर यूज एन, वॉवेल्स जो है उसके पहले हम एन का यूज करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर ईगल है फर्स्ट लेटर वॉवेल्स है इसलिए भी इसे हम एन से कनेक्ट करेंगे। ये कॉर है फर्स्ट लेटर है आपका कॉन्सोनेंट तो ये हम कॉन्सोनेंट के पहले जो ए का यूज करते हैं तो ए से कनेक्ट कर देंगे। ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस का फर्स्ट लेटर वॉवेल से स्टार्ट है इसलिए हम इसको किससे कनेक्ट करें बच्चों, ए से कि एन से, इसको हम एन से कनेक्ट करेंगे एन से क्योंकि ये फर्स्ट लेटर वॉवेल से स्टार्ट है इसलिए वॉवेल से पहले एन का यूज करते हैं। तो दिस चैप्टर इज डन स्टूडेंट, प्लीज रिवाइज दिस चैप्टर।